Assalamualaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Maad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 1 that is plant system. Today we are going to start lecture 11 that is energy production in plants that is a process of cellular respiration. Aaj humne सेलुलर रेस्पायरेशन पढ़ना है डेट इज द एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस इन प्लांट्स इससे पहले हमने एक प्रोसेस पढ़ा था डेट इज द फूड मेकिंग प्रोसेस फॉर प्लांट्स डेट वॉज फोटोसिंथिस आज हमने एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ना है डेट इज सेलुलर रेस्पायरेशन इसके लिए हम ऐसे लो देख लेते हैं डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन राइट वर्ड इक्वेशन फॉर इट आज इस में हमने क्या करना है हमने डिस्क्राइब करना है रेस्पेरेशन के प्रोसेस को जो सेलुलर रेस्परेशन का प्रोसेस है पौधों में किस तरह से होता है और उसके लिए जो वर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है सो so, जल्दी से एक, एक एक्टिविटी करते हैं स्क्रीन पे आपको एक तस्वीर नजर आ रही है जरा मुझे जल्दी से बताएं कि ये तस्वीर किस चीज की है गुड दैट इज ये एक ऑर्गेनैली है जो क्या काम करती है माइटोकोन्ड्रिया ब्रेक डाउन द स्मॉल न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स एंड जनरेट एनर्जी ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं जो माइटोकोन्ड्रिया ऑर्गेनैली है ये क्या करती है ये न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनाता है जो शुगर मॉलिक्यूल्स बनाता है उसकी ब्रेक डाउन करती है और पौधे को जो एनर्जी की जरूरत होती है वो पौधे को प्रोवाइड करती है डियर स्टूडेंट्स क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन हाउ डू प्लांट्स यूज फूड ग्लूकोज विच दे प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स में उसमें जो प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं जो शुगर बनाते हैं अपने लिए जो खुराक बनाते हैं वो उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये बताएं मुझे गुड जो माइटोकोंड्रिया ऑर्गेनैली आपको दिखाई मैंने वो माइटोकोंड्रिया ऑर्गेनैली जो है वो प्लांट को हेल्प करती है उन शुगर मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील करके एनर्जी बनाने में और वो एनर्जी जो है प्लांट वो यूज़ करते हैं ये प्रोसेस जो है वो क्या है सेलुलर रेस्पायरेशन जो कि आज हमने पढ़ना है सेलुलर रेस्पायरेशन में प्लांट्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स डेट आर प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस सो माय डियर स्टूडेंट्स जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है वो वो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है एनर्जी बनाता है पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट बनता है ये है सेलुलर रेस्पायरेशन फर्स्ट प्रोसेस में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं ये विदाउट ऑक्सीजन जो है इनकी ब्रेकडाउन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या बनता है टू पायर्विक मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसके बाद जो दो पायर्विक मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो साइकिल में डेट इज अ प्रोसेस ऑफ साइकिल ये जो दो पायर्विक मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं ए बनाते हैं दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो पौधा अपने प्रोसेसेस के लिए एनर्जी यूज करता है दैट इज एटीपी ये बनते हैं इसके अलावा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं डेट आर वेस्ट प्रोडक्ट्स सो ये जो है ये है सेलुलर रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है डेट इज़ आल्सो कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन इसके नतीजे में पौधा अपने लिए एनर्जी बनाता है और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं सो so, ये हैं वर्ड इक्वेशंस फॉर सेलुलर एस्पाइरेशन ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन जो है फर्स्ट जो है वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है टू पायर्विक एसिड्स में उसके बाद जो ये टू पायर्विक एसिड हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो नेट टोटल मॉलिक्यूल्स बनते हैं ए के इन सेलुलर रेस्परेशन और ऑलमोस्ट 34 टू 36 सिक्स ए जो पौधा अपने लिए एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करता है सो so, देखते हैं आज हमने क्या सीखा सेल्युलर रेस्पायरेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज डेट प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है मिलकर शुगर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन बनाते हैं और ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स फोटोसिंथेसिस में बने थे इनकी ब्रेकडाउन करके पौधा जो है वो अपने लिए एनर्जी बनाता है इन एटीपी फॉर्म्स दैट इज सेलुलर रेस्पायरेशन सो ये है सेलुलर रेस्पायरेशन जो पौधा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करके अपने लिए एनर्जी बनाता है सो so, देखते हैं असेसमेंट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स आपने ये असेसमेंट करनी है जो कि आज के एस एल ओ पे लाई कर रही है या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी दे देंगे इसको आपने सॉल्व करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने इसको सही से सीखा और सही से परफॉर्म किया नेक्स्ट आपने होमवर्क करना है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन एंड ड्रॉ अ वर्ड इक्वेसन फॉर द प्रोसेस आपने जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है उसको इन योर वर्ड्स आपने एक्सप्लें करना है और उसके लिए जो वर्ड इक्वेसन है वो लिखनी है आपने सो नाओ आई होप यू हैव बेटर लर्न अबाउट सेलुलर रेस्परेशन थैंक यू सो मच अल्लाह हाफि